हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए ग्लिच का छठा भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं छठे भाग के एक्सप्लेनेशन की ओर। छठे भाग की शुरुआत में क्रिस्टी और चार्ली की मुलाकात ऑफिसर क्रिस से होती है। ये दोनों योराना शहर से बाहर जाना चाहते थे और इन दोनों के इस काम को अंजाम देने के लिए ऑफिसर क्रिस उन दोनों की मदद करते हैं। साथ ही ऑफिसर क्रिस क्रिस्टी और चार्ली को कुछ पैसे और उनकी सुरक्षा के लिए एक सेल फोन भी देते हैं, जिससे कि अगर रास्ते में या फिर उसके बाद किसी तरह की भी मुसीबत हो तो फिर ऑफिसर क्रिस उन दोनों की मदद कर पाएंगे। अब क्रिस का शुक्रिया अदा करके ये दोनों मेलबर्न के बस में चढ़कर रवाना होते हैं। अब जैसे ही ये दोनों मेलबर्न पहुंचते हैं, फिर ये दोनों मिलकर ठहरने के लिए एक ढंग का होटल ढूंढने लगते हैं। लेकिन शहर में एक भी होटल ढंग का नहीं था। अब जैसे तैसे काफी दिक्कतों के बाद चार्ली को एक होटल मिलता है, जिसे भाड़े पर लेने के लिए चार्ली को डबल पैसे देने पड़ते हैं। कुछ देर बाद चार्ली सो जाता है और इस बीच क्रिस्टी प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी साहस नहीं था कि वो अपनी ही प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट देख सके। अब क्रिस्टी चार्ली के पास बैठ कर कहती है कि काफी सालों पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के करीब गई थी और वो समय मेरी जिंदगी का सबसे खास पल था। इधर लैब में प्रोफेसर हेसन के असिस्टेंट डेविड को पॉल नामक आदमी विलियम के बारे में इन्फॉर्म करता है। साथ ही वो कहता है विलियम की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद जेम्स है। पॉल प्राइवेट सिक्योरिटी का हिस्सा था, इसलिए वो काफी सारे प्राइवेट इश्यूज के बारे में नॉर्गार्ड हेडक्वार्टर्स को बताया करता था। अब जैसे ही हेसन के असिस्टेंट डेविड के साथ पॉल की बातचीत खत्म होती है, ठीक तभी उसे बताया जाता है कि हेसन की मौत हो गई है, साथ ही फिल भी कहीं गायब हो गया है। डेविड फौरन इन सब चीजों के बारे में हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ क्रिस्टी और चार्ली एक बार में जाते हैं। क्रिस्टी मजे से शराब पीकर एंजॉय कर रही होती है, वहीं चार्ली काफी ज्यादा बोर होने लगता है। आसपास के लोगों को देखकर चार्ली को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वो खुद भी एक बार में काम किया करता था। पैसों के लिए पब में चार्ली वेटर बनकर गलत काम करता था, जिसकी वजह से वो आज भी शर्मिंदा महसूस करता है। इन सारी बातों को कुरेद कर खुद को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था चार्ली, इसलिए चार्ली क्रिस्टी के साथ होटल की ओर जाने लगता है। इस बीच क्रिस्टी एक क्लिनिक से अबॉर्शन की पैम्पलेट चुरा लेती है और इससे ये बात तो जाहिर है कि हो सकता है कि क्रिस्टी प्रेग्नेंट हो। अब होटल पहुंचते ही क्रिस्टी बाथरूम में जाकर अपनी प्रेगनेंसी रिजल्ट चेक करती है। ठीक तभी कमरे में रॉफ नामक लड़की पहुंचती है। रॉफ ने पी रखी थी और इसी वजह से वो सीधी तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए चार्ली उसे उसके कमरे तक सही सलामत पहुंचा देता है। उसका ख्याल रखते रखते चार्ली को पता चलता है कि रॉफ कोई महिला नहीं बल्कि एक आदमी है जो महिला के भेष में घूमता है। रॉफ की वजह से दोनों को बेहद ज्यादा ऑकवर्ड महसूस होता है। अब रॉफ को ठीक तरह से सुलाकर चार्ली अपने कमरे में पहुंचता है। कमरे में क्रिस्टी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। चार्ली के पूछने पर क्रिस्टी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के बारे में जानकर चार्ली बेहद हैरान था, लेकिन वो जैसे तैसे इस घड़ी में क्रिस्टी को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन अपनी ऐसी हालत के चलते क्रिस्टी होटल से बाहर खुले हवा में बैठना चाहती थी। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं क्रिस्टी के मौत से पहले पीट नामक आदमी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी की वजह से वो ये सब कुछ भुगत रही थी। क्रिस्टी इस बात को समझने के बाद बेहद मायूस हो जाती है। अब अगली सुबह फिल अपने घर पर जाता है। बियो अपने पिता को देख लेता है और वो अपने पिता पर चिल्लाने लगता है। फिल अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, वहीं बियो किसी भी कीमत पर अपने पिता को अपने घर आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि फिल ने इससे पहले बियो को मारने की कोशिश की थी। फिल इसके जवाब में कहता है कि अब मैं पहले की तरह बुरा आदमी नहीं रहा और अब मैं अपने परिवार के साथ रहकर सबको बचाना चाहता हूँ। बियो बिना फिल की बात सुने जेम्स को फिल के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जैसे तैसे फिल अपनी पत्नी और बेटे को समझा कर घर में रहने लगता है। हालांकि बियो और उसकी माँ फिल के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इधर विलियम और जेम्स फिल के घर की तरफ जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ये दोनों किसी स्टोर पर ठहरते हैं, जहाँ से इन दोनों को पता चलता है ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में वोल्केनिक इरप्शन का सामना किया है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में नेटवर्क की समस्या होने लगी है। वहीं विलियम ये सुनने के बाद कहता है, इससे पहले कि देर हो जाए हमें सभी को मारना होगा।
दूसरी तरफ फिल अपनी पत्नी के साथ मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए जाता है। फिल की पत्नी किसी जरूरी काम की वजह से फिल को मार्केट में छोड़कर अपने काम के लिए निकल पड़ती है। ठीक तभी फिल केट को देखता है और केट फिल को देखकर भागने लगती है। फिल उसे भागता हुआ देख उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद योराना पुलिस स्टेशन में प्राइवेट सिक्योरिटी का आदमी पॉल जेम्स और विलियम की खोज कर रहा था। इस दौरान पॉल की मुलाकात ऑफिसर क्रिस से होती है, इसलिए क्रिस उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। बातों बातों में पॉल समझ जाता है कि क्रिस मरे हुए जीवित लोगों के केस के लिए काम करते हैं और ये बात सभी से छिपाई गई है। पॉल अब पुलिस स्टेशन से खाली हाथ लौट जाता है। हालांकि अब वो क्रिस पर निगरानी रखने वाला था। अब यहाँ से क्रिस पॉल का पीछा करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में वो घर पर रुक कर बेल और तय को पॉल और उसके इरादे के बारे में बताता है, जिससे कि ये दोनों अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सके। साथ ही वो दोनों को फिलहाल के लिए घर छोड़कर जाने के लिए कहता है और फिर वो दोबारा से पॉल के पीछे जाने लगता है। लेकिन अब पॉल कहीं गायब हो चुका था। उधर मेलबोर्न में क्रिस्टी अपने बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन चार्ली को एक मासूम बच्चे की मौत से बेहद बुरा लग रहा था। साथ ही वो क्रिस्टी की हालत देखकर उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है, लेकिन क्रिस्टी बिना चार्ली की बात सुने अबॉर्शन कराने के लिए क्लिनिक चली जाती है। इधर चार्ली क्रिस्टी को लेकर बेहद परेशान था। इस दौरान उसकी मुलाकात रॉफ से होती है। अब दोनों अपनी अपनी परेशानी के चलते एक दूसरे के बेहद करीब चले आते हैं। उधर क्लिनिक में जाने के बाद डॉक्टर क्रिस्टी को बताती है कि क्रिस्टी को अबॉर्शन कराने के लिए और ज्यादा पैसे रिसेप्शन पर जमा कराने होंगे। इस बात को लेकर क्रिस्टी बेहद परेशान थी और इसकी परेशानी का समाधान निकालने के लिए एक महिला क्रिस्टी की मदद करने का फैसला लेती है। दूसरी तरफ केट और फिल भागते भागते एक दूसरे के सामने चले आते हैं। केट काफी गुस्से में थी और वो फिल को मारने के लिए एक कांच की बोतल उठा लेती है। वहीं फिल पूरी जी जान लगाकर केट को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो एक अच्छा आदमी बन गया है। कुछ देर बाद ऑफिसर क्रिस्टी और चार्ली को ढूंढते ढूंढते उनके होटल तक पहुंचते हैं। चार्ली से मिलकर क्रिस उसे आने वाली मुसीबतों के बारे में आगाह कर देता है। साथ ही क्रिस कहता है जैसे ही क्रिस्टी क्लिनिक से घर वापस आएगी तुम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाना। लेकिन क्रिस के जाने के बाद क्रिस्टी और चार्ली दोनों को पॉल अपनी गिरफ्त में ले लेता है। उधर तय और बेल क्रिस के घर से बाहर जाते हैं। वो दोनों तय के कब्र के पास जा रहे थे क्योंकि वो दोनों अपनी असलियत के बारे में जानना चाहते थे। अब कब्र के पास पहुंचते ही तय नोटिस करता है उसके कब्र के ठीक पास उसकी पत्नी और बेटी की कब्र है, जो कि वो दोनों भी मारे गए थे। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि माली नामक लड़की से तय ने शादी की थी। अब जो कि मरने के बाद तय जीवित था, इसलिए वो बेल के साथ मिलकर अपने वंश को ढूंढने लगता है। इधर जेम्स बियो के घर पर जाकर उससे फिल के बारे में पूछता है। बियो बताता है फिल मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए गया है। वहीं दूसरी तरफ केट ने फिल को बंदी बनाकर रखा था। ठीक तभी उसे ऑफिसर क्रिस का कॉल आता है। साथ ही केट जेम्स और विलियम को इसके हवाले करना चाहती थी, इसलिए वो फिल के बारे में इन दोनों को इन्फॉर्म करती है। उधर पॉल चार्ली और क्रिस को नॉरगार्ड लैब में ले जाकर नॉरगार्ड के डायरेक्टर सैम से मिलवाता है। डायरेक्टर सैम उन दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। अगर उन दोनों ने इस रिसर्च को करने में उनकी मदद की फिर इन दोनों को पैसों की अच्छी रकम दी जाएगी। साथ ही इन दोनों की अच्छी जिंदगी के लिए इन्हें नॉरगार्ड हेडक्वार्टर से नई आइडेंटिटी मिलेगी। क्रिस्टी सैम की बातों पर हामी भरती है, लेकिन चार्ली को नॉरगार्ड के लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वहीं सैम कहता है अगर तुम दोनों ये ऑफर नहीं लेना चाहते हो फिर तुम दोनों यहाँ से आराम से निकल जाओ। लेकिन सैम की प्लानिंग अनुसार अगर ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं फिर दोनों को स्नाइपर से फौरन उड़ा दिया जाएगा। जैसे तैसे क्रिस्टी चार्ली को इस डील में हामी भरने के लिए समझाती है और वो अपने अबॉर्शन को लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब रिसर्च के लिए प्राइवेट प्लेन बुलाया जाता है और अब इन दोनों को शहर से बाहर ले जाया जाएगा। कुछ देर बाद क्रिस केट से मिलता है और वो उन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि नॉरगार्ड के लोगों ने क्रिस्टी और चार्ली को उठा लिया है। साथ ही इस बीच फिल केट को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो पहले की तरह नहीं रहा। अब केट और फिल को मारने के लिए जेम्स और विलियम उसी जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके आने से पहले सभी वहां से जा चुके थे।
कहीं ना कहीं अपनी बीवी केट को यहाँ ना पाकर जेम्स खुश था, क्योंकि वो केट को कभी भी मारना नहीं चाहता था। ठीक तभी जेम्स और विलियम बाहर एक पक्षी को देखते हैं। यह पक्षी एकदम से स्वस्थ रूप में भी मारी जाती है और धीरे धीरे वो मर कर मिट्टी में विलीन होती जाती है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया होने के बावजूद भी चंद मिनटों में खत्म हो जाती है। ये देखकर जेम्स और विलियम समझ चुके थे कि दुनिया का अंत काफी नजदीक है। दूसरी तरफ बेल और तय ट्रेवर के रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर तय एक बच्चे को देखता है। कहीं ना कहीं इस बच्चे को देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसी का वंश हो। अब बेल और तय उस बच्चे का पीछा करने लगते हैं। बेल उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है। वो बताता है कि उसका नाम नोआ है और वो चाइना का रहने वाला है। साथ ही उनकी पीढ़ी इस शहर में लगभग 100 सालों से भी ज्यादा समय तक रह रही है। ये सारी चीजें जानने के बाद बेल नोवा को तय से मिलवाती है और तय उस बच्चे को अपने बारे में जानकारी देकर उसकी मदद मांगता है। तय नोवा को अपने कब्र के सामने ले जाकर प्रार्थना कहने के लिए कहता है। वो बच्चा तय के कहे मुताबिक कर रहा था, जिससे कि तय की आत्मा को शांति मिल सके और वो स्वर्ग चला जाए। काफी देर तक प्रार्थना करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो गुस्से में बच्चे को थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से रिचुअल में बाधाएं आ जाती है। नोवा रोते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं तय बेहद उदास था, क्योंकि अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेल जैसे तैसे तय को समझाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और क्रिस्टी सैम के साथ प्लेन में रवाना होने वाले थे और सही मौके पर वहाँ केट, फिल और ऑफिसर क्रिस चले आते हैं। ये तीनों क्रिस्टी और चार्ली की मदद करना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टी जाने से इनकार कर देती है। जैसे तैसे ये तीनों मिलकर उन सभी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन डायरेक्टर सैम अब तक चुपचाप खड़े थे। साथ ही वो पॉल को इन्हें रोकने से मना करते हैं, क्योंकि उनका कहना था, अगर मैं इन सभी को एक बार पकड़ सकता हूँ फिर मैं इन्हें बार बार पकड़ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं किसी तरह का हंगामा नहीं चाहता हूँ। साथ ही पॉल को वो एक बात ध्यान में रखने के लिए कहते हैं कि किसी और कंपनी या हेडक्वार्टर्स की नजर मरे हुए जीवित लोगों पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उन पर रिसर्च सिर्फ मैं ही करूंगा। उधर ऑफिसर क्रिस सभी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। सभी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे की दोस्ती से ये सभी खुश रहने लगे थे। ठीक तभी सभी से मिलने के लिए विलियम और जेम्स वहाँ पहुँचते हैं। जेम्स भले ही दुनिया को बचाने के लिए सभी को मारना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी को देखने के बाद वो उसे दर्द भरी निगाहों से देखने लगता है। विलियम उन दोनों को एक साथ देख मारने का फैसला टाल देता है और ये सभी एक दूसरे की जीवित रहने की खुशी, साथ ही एक साथ रहने की खुशी में झूमने लगते हैं।